What's up YouTube fam? Welcome back to Kalimpong. और आज का नज़ारा भी वैसे का वैसा ही है, क्लाउडी. भाग्य इतने खुले नहीं है कि यहाँ से कंचनजंगा देख सके, बट नज़ारे बहुत खूबसूरत है. ऐसा लग रहा है कि वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. और आज की जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं दुर्पिन मॉनेस्ट्री से. अगर आप कैलिम्पोंग पहले आए हो तो इस जगह के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि दुर्पिन मॉनेस्ट्री कैलिम्पोंग का सबसे बड़ा मॉनेस्ट्री है और इसको जांग ढोक पालरी मॉनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है. हमारे ड्राइवर ने हमें ये कहा कि ये मॉनेस्ट्री यूजुअली बंद रहती है, बट हमारे भाग्य यहाँ पर खुल गए क्योंकि मॉनेस्ट्री खुली थी. आपको बिलीव नहीं होगा, मॉनेस्ट्री का अंदर इतना खूबसूरत है. हर जगह पे आर्टवर्क है, चाहे आप सीलिंग की बात करो, वॉल्स की बात करो, पिलर्स की बात करो, हर जगह में एंशिएंट पेंटिंग से भरा हुआ है. एंड जस्ट सो यू नो, दुर्पिन मॉनेस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1972 बाई ऑनरेबल दुर्जम रिनपोचे. और आप बिलीव नहीं करोगे, उस वक्त इतना खूबसूरत मॉनेस्ट्री बनाना आई एम श्योर आसान काम नहीं था. And just so you know, there are rare Buddhist manuscripts from Tibetology kept here inside the monastery that was donated by Dalai Lama in the year 1956. And it's called the Kangyur of 108 volumes. Kangyur is basically a collection of sacred texts recognized by various schools of Tibetan Buddhism. Anyways, ज़्यादा हिस्ट्री पे नहीं घुसते, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपकी रिटेंशन पावर ख़त्म हो जाएगी. तो आगे बढ़ते हुए ये है कैक्टस गार्डन कैलिम्पोंग का. यहाँ पे 20 रुपीस पर हेड है टिकट. आप टिकट लेके अंदर आ सकते हो. ये कैक्टस है, चारों तरफ हर तरह के कैक्टस मिल जाएंगे यहाँ पे. बस यू कैन नॉट टच एनीथिंग, डू नॉट टच एनीथिंग. अगर कुछ टच हो गया तो हालत ख़राब हो जाएगी. ये चारों तरफ कैक्टस है. ये फर्स्ट वाला टेंट है, इसके अलावा और भी काफ़ी टेंट्स हैं. लेट्स गो एंड चेक इट आउट. इसके अंदर काफ़ी गर्मी भी है. एंड कैक्टस कलेक्शन यहाँ पे 1971 से चलती आ रही है. सो इमेजिन, इट हैज़ बीन लाइक रियली लॉन्ग. ये कैक्टस की साइजेस देख रहे हो आप, लाइक ये ह्यूज. शिट. एंड दिस इज प्राइवेट, दिस इज नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड दे आर मैनेज्ड बाय द पाइन व्यू मैनेजमेंट. दैट्स व्हाई दिस इज रिटन ऑन हियर. मैंने लाइफ में इतनी बड़ी कैक्टस नहीं देखी, लाइक दे ह्यूज. सो दिस बिग राउंड वन, इट्स कॉल्ड द गोल्डन बैरल कैक्टस. ये जो बड़ा वाला है, ये मैंने भी पहली बार ही देखा है. एंड इट सीम्स एज अ क्रेजी फैक्ट अबाउट कैक्टस इज दैट दे स्टोर अ लॉट ऑफ वाटर, जो मुझे अभी पता चला है. बिकॉज दे ग्रो इन द डेजर्ट, और डेजर्ट में तो बारिश नहीं होती है ऑब्वियसली. सो दे स्टोर अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, दे स्टोर अ लॉट ऑफ वाटर यू नो टू सर्वाइव. दैट्स ऑल्सो अ क्रेजी फैक्ट. इसको हम बोलते हैं गोल्डन बैरल कैक्टस. आपको पता है ये प्लास्टिक के टेंट्स क्यों बने हुए हैं इसके चारों ओर? बिकॉज दे नीड एन एक्सट्रीम टेम्परेचर, लाइक काफ़ी गर्मी होनी चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि कैलिम्पोंग काफ़ी ठंड है, काफ़ी ठंडी है यहाँ पे. दैट्स व्हाई दे मेक दिस प्लास्टिक टेंट्स, सो दैट अंदर हीट क्रिएट हो सके. और अंदर काफ़ी गर्मी है ऑनेस्टली. इट्स काइंड ऑफ लाइक द ग्लास हाउस इफेक्ट, यू नो, लाइक द ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट यू नो. काफ़ी गर्मी है अंदर, और वो गर्मी चाहिए इनकी ग्रोथ के लिए, यू नो. They cannot survive the winter, obviously. इसलिए बहुत स्मार्टली बनाया गया है. मॉर्निंग ट्रैकिंग. अभी हम ट्रैक करते हुए जा रहे हैं एक मॉनेस्ट्री में, जो होमस्टे के बिल्कुल पास है. और पीछे पहाड़ नजर आ रहा है, इधर भी पहाड़ है. खाइए, क्लाउड्स इसलिए समझ में नहीं आ रहा, बट ये मेरे होमस्टे के ठीक पास ही है. एक बहुत खूबसूरत मॉनेस्ट्री है. सुबह सुबह अगर आप यहाँ पे आते हो, ट्रैक पे निकल जाना और सही रहेगा. ये सब आपको ये होमस्टे पे आने से ही ये सब नसीब होगा.
दूर से आते हो तो पता नहीं चलेगा, ये तो बिल्कुल ही ऑफ रोड है। ये होमस्टे के जो ओनर है वो हमें लेके जा रहे हैं, तो उनको ये सब जगह पता है। अगर आप होमस्टे में रहते हो तो यहाँ पे ट्रैक करने आ सकते हो, नहीं तो खो जाओगे ऑब्वियसली। ऑफ रोड है एकदम। थोड़ा सा ही बचा है। See, whoa, what is all this about? Wow, 360. देखे जावन। देखिस। और ले यार पाओ जावन। मेरे बैरिकेड दे दी तो जी। क्लाउड से पूरा पहाड़ ढका हुआ है, बट यू कैन कम्प्लीटली सी अ 360 डिग्री। वहाँ से हम आए हुए हैं, बहुत धूप निकला है। नाइस, बहुत ही लग रहा है यार। लाइफ में ये एक्सपीरियंस नहीं किया तो फिर क्या एक्सपीरियंस किया। वेल, मॉनेस्ट्री का नाम कहीं पे भी मेंशन किया हुआ नहीं है, बट लोकेशन में बता देती हूँ। मॉनेस्ट्री का लोकेशन है फिकाले गांव सांगसे, जो है कैलिम्पोंग में, वहीं पे जहाँ पे हमारा यू नो होमस्टे है उसके ठीक ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर जाके ये खूबसूरत मॉनेस्ट्री है, तो हम काफ़ी लकी रहे क्योंकि हम इस होमस्टे पे रहे तो हमें ये मॉनेस्ट्री पे आने का मौका मिला। नहीं तो यूजुअली लोगों को पता नहीं चलता कि यहाँ पे एक खूबसूरत सा मॉनेस्ट्री भी है। तो अगर आप होमस्टे में रहते हो तो आपको एक मौका मिलेगा कि आप ये मॉनेस्ट्री भी विजिट कर पाओ। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, कैलिम्पोंग में कैब्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो अगर आप मिड टाउन में रहते हो तो साइट सीइंग के लिए आपको लोकल टैक्सीज मिल जाएगी, लेकिन आप अगर थोड़ा ऑफ रूट रहते हो जैसे हम लोग रह रहे, तो कैब्स आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। इसलिए द बेस्ट थिंग टू डू इज़ बार्गेन। और आज का हमारा लास्ट लोकेशन है गोल्फ कोर्स। वेल, गोल्फ कोर्स के अंदर जाना अलाउड बिल्कुल नहीं है, आपको यहीं से देखना पड़ेगा। इसलिए इतना दूर आप मेहनत करके मत आओ, क्योंकि अगर आपको सामने से देखना है वो आपको नहीं मिलने वाला, इसलिए आप वीडियो में ही देख लो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करके रखिए ताकि आप नोटिफाई हो सको जब भी हम इतने खूबसूरत वीडियोज़ आपके लिए लेके आए।